हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज, आज हम जो लेक्चर लेकर के आए हैं, आज का हमारा जो लेक्चर है वह है बैक्टीरिया। तो गाइज, आज एक ही लेक्चर में बैक्टीरिया का सब कुछ होने वाला है। गाइज, पोस्टमार्टम पूरा होने वाला है। अगर यह हमारा आपने लेक्चर देख लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बैक्टीरिया से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, चाहे जो भी एग्जाम हो, चाहे TGT हो, PGT हो, नीट हो, LT, GIC हो, कुछ भी हो। क्योंकि अगर आजमाना होगा तो इस लेक्चर को देखने के बाद आप कोई प्रैक्टिस सेट उठा करके देख लेना और उसे हल करना, देखना आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा गाइज। तो चलिए, क्योंकि हम आपके लिए पॉइंट टू द पॉइंट लेक्चर लेकर के आते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। तो गाइज देखिए, बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, यहाँ पर बैक्टीरिया के बारे में जो हम बात करने चल रहे हैं गाइज, ये हमारा टॉपिक है आज का बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में सबसे पहला पॉइंट, अगर पहले पॉइंट की बात करें तो बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। जैसे वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है गाइज, वायरोलॉजी कहलाता है, उसे बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, ये आप जानते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है लुईस पाश्चर को, कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, लुई पाश्चर को कहा जाता है। और बैक्टीरिया की खोज किसने किया, तो डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, 1632 से 1723, ये इनके बारे में है, लीवेनहॉक के बारे में। तो गाइज, इसकी खोज किसने किया, लीवेनहॉक ने किया इसकी खोज। और इसे सबसे पहले जब खोजा था तो इसने एक नाम दिया था, एनिमलक्यूल कहा था इसको। बाद में एरेनबर्ग ने इससे बैक्टीरिया नाम दिया था 1828 में। गाइस, सबसे पहले जब बैक्टीरिया की खोज हुई थी, लीवेनहॉक ने खोजा था, उस समय इसे एनिमलक्यूल कहा था, लेकिन एरेनबर्ग ने बाद में इसे क्या कहा था, बैक्टीरिया कहा था। कब कहा था, 1828 में कहा था, ठीक है। अब अगली बात देखिए जरा, फर्स्ट बैक्टीरियोलॉजिस्ट, पहले बैक्टीरियोलॉजिस्ट यही है, लीवेनहॉक ही है जो बैक्टीरिया पर इन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया। गाइस, अगली बात की बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोष की जीवधारी है बैक्टीरिया, और इसे ओनली सीन बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसे केवल और केवल किसकी सहायता से देखा जा सकता है गाइज, इसे केवल और केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप की सहायता से इसे केवल देखा जा सकता है। अगला पॉइंट यहां पर एक पॉइंट और है इंपॉर्टेंट, जर्म थियोरी ऑफ डिजीज, जर्म थियोरी ऑफ डिजीज, इसे ध्यान दीजिए गाइज, ये है इंपॉर्टेंट है, जर्म थियरी ऑफ डिजीज। तो जो जर्म थियरी ऑफ डिजीज है, इसे किसने दिया था, तो इसे दिया था रॉबर्ट कोच ने। किसने दिया था गाइज, इसे दिया था रॉबर्ट कोच ने। हो सकता है कि यदि आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो लो भैया हम इसको हटा देते हैं, रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने जर्म थियरी ऑफ डिजीज देने के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1905 में, गॉट नोबेल प्राइज इन 1905। और इनका एक सिद्धांत है जो रॉबर्ट कोच से संबंधित है, कोच पास्टुलेट्स, अगर पूछेगा कोच पास्टुलेट्स रिलेटेड विद रॉबर्ट कोच, और ये किससे संबंधित है, जर्म थियरी ऑफ डिजीज से संबंधित है गाइस। तो चलते हैं अगली खास बात क्या है बैक्टीरिया में, उसकी तरफ चलते हैं गाइस। तो ये बिल्कुल पॉइंट टू द पॉइंट है, मैं आपके लिए लेके आता हूँ, कोई जो है फालतू की बातें नहीं, कोई टाइम वेस्टिंग नहीं। और इसी तरीके से अगर आपने पूरा अध्ययन कर लिया पूरे टॉपिक का, तो गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपका सिलेक्शन पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता गाइस। तो चलिए देखते हैं अगली पॉइंट्स क्या है। तो अगला पॉइंट्स है कि ग्राम स्टेन, ये भी पूछा जाता है गाइस, ग्राम स्टेन फॉर बैक्टीरिया, ठीक है, ग्राम स्टेन फॉर बैक्टीरिया इज डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रिश्चियन ग्राम, हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने सबसे पहले खोजा बैक्टीरिया के ग्राम स्टेनिंग करने के लिए। आप जानते हैं क्रिस्टल वायलेट से इसकी स्टेनिंग होती है, बैक्टीरिया एक ग्राम पॉजिटिव होता है और एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है, तो कैसे स्टेनिंग होती है इसकी हम आगे बात करने वाले हैं गाइस। अगली बात यह कि पेंसिलिन इज डिस्कवर्ड बाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेंसिलिन सबसे पहला खोजा गया एंटीबायोटिक है पेंसिलिन, और इसकी खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था इसे, और किससे निकाला था, तो पेंसिलियम क्राइसोजेनम और पेंसिलियम नोटेटम से इसे निकाला था, एक्सट्रैक्ट किया था गाइस। फिलहाल यहां पर ये पॉइंट इसलिए शामिल कर दिया कि ये बार बार इसी में पूछा गया है गाइस। BCG वैक्सीन एंड एंटीवायरल वैक्सीन की खोज किया था एलसी कैलमेटी ने खोजा था BCG वैक्सीन और एंटीवायरल वैक्सीन की खोज किया था, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा बैक्टीरिया क्या है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया डाइलिस्टर, क्या है गाइज, डाइलिस्टर, जो कि कैसा होता है, रॉड शेप्ड होता है, और यह कैसा होता है, एक प्रकार का ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, और इसका जो इसकी अमाप कितना है, 0.15 to 0.3 माइक्रोमीटर तक है।
और लार्जेस्ट बैक्टीरिया क्या है? थियोफाइसा वालुटेंस, थियोफाइसा वालुटेंस। और एक और आ जाता है गाइज बैजिया टोवा, बैजिया टोवा। इसका हम आप देख लीजिए 16 से 45 माइक्रोमीटर तक है या 18 माइक्रोमीटर तक है डायमीटर। और एक प्रकार का ये सल्फर बैक्टीरिया है गाइज, कौन सा है? थियोफाइसा वालुटेंस सल्फर बैक्टीरिया है, अगर पूछ लेगा तो वहां तक जाएगा। थोड़ा सा आप जनरल करेक्टर की बात करते हैं, बैक्टीरिया के जनरल करेक्टर की बात करते हैं गाइज। तो चलिए देखते हैं बैक्टीरिया की, ये जो मैंने बताया आपको बिल्कुल निचोड़ पॉइंट है गाइज, बिल्कुल निचोड़ पॉइंट है। थोड़ा सा बात करते हैं जनरल करेक्टर की। तो देखिए जनरल करेक्टर की अगर हम बात करें इसके सामान्य लक्षण की बैक्टीरिया की, तो ये माइक्रोस्कोपिक है, इसे माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है। ओमनी प्रेजेंट, ये हर जगह मिलता है, सर्वत्र विद्यमान होता है। यूनिसेलुलर, एक कोश की होता है, फाउंड इन एयर वाटर एंड सॉइल, कहाँ कहाँ? वायु में, जल में और मृदा में, इसके अलावा अन्य सभी जगहों पर यह विद्यमान होता है। मोस्टली ये हेटरोट्रॉफिक होता है, ये अपना पोषण जो है अपने पोषण के लिए दूसरों पर डिपेंड होता है गाइस, हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक में देखिए किस कितने प्रकार का है, एक तो सेप्रोफाइटिक है, पैरासाइटिक है और सिम्बियोटिक है। सेप्रोफाइटिक जो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण लेता है, पैरासाइटिक पर जीवी दूसरे जीवों से लेता है अपना, और सिम्बियोटिक सहजीवी के रूप में होकर के यह अपना पोषण लेता है गाइस। चलते हैं अगली बात, यह है सेलवाल। सेलवाल मेडअप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड, बहुत बार पूछा गया है मेप्टो, म्यूकोपेप्टाइड इसे कह दीजिए पेप्टो पेप्टिडोग्लाइकन, ये बहुत बार पूछा गया है कि इसकी सेलवाल किसकी बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। किसकी? यानी बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति। म्यूकोपेप्टाइड किसके रूप में? पेप्टिडोग्लाइकन के रूप में गाइस। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखिएगा। सेलुलोज इसमें अब्सेंट होता है, सेलुलोज इसमें नहीं होता है, सेलुलोज अब्सेंट होता है। अगली बात, न्यूक्लियस नॉट वेल डेवलप, इसमें न्यूक्लियस पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है, न्यूक्लियस नॉट वेल डेवलप। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस अब्सेंट, भाई जब न्यूक्लियस पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है तो उसमें इसका मतलब है कुछ ना कुछ उसमें अब्सेंट होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है और न्यूक्लियोलस नहीं हो और न्यूक्लियोलस नहीं होता है, ठीक है। किसमें? केंद्रक में। तो केंद्रक में इन दो चीजों को ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, दोनों क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। आरएनए एंड डीएनए बोथ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट, इसमें आरएनए और डीएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं। अगली बात, इसमें आप थोड़ा सा सेल ऑर्गेनेल्स इसमें क्या क्या एब्सेंट होते हैं उसको देख लीजिए, जैसे माइटोकांडिया हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गॉल्जी बॉडी हो गया, ये सभी एब्सेंट होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी और माइटोकांडिया, ये सब क्या होते हैं इसमें? एब्सेंट होते हैं, अर्थात नहीं होते हैं बैक्टीरिया में। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसकी खास बात क्या है गाइस, इसको भी देख लीजिए। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की थोड़े से बात करें यहां पर। रिप्रोडक्शन बाय फिजन, मुख्य रूप से रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? फिजन के द्वारा होता है। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट, इसमें सत्य प्रकार का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो नहीं होता है। हालांकि फिर क्या होता है इसमें? रिप्रोडक्शन तो होता है, मेनली फिजन के द्वारा होता है, लेकिन इसमें एक विशेष जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के द्वारा होता है रिप्रोडक्शन। और जो किस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तीन प्रकार का होता है, तीनों में एक तो ट्रांसडक्शन है, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन है और तीसरा कंजुगेशन है। तो ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन, ये तीन प्रोसेस हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की। इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी खोज किसने किया था और ये किस पर खोजा गया था, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है गाइस। तो अभी बात करने वाले हैं। अब तो हां देखिए, अब यहां बात करते हैं कि ग्राम निगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें एक संरचना होती है पीली, क्या होती है, या पिलाई कह दीजिए, पी आई डबल एल आई, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहें आप कर सकते हैं, पी आई डबल एल आई, पिलाई। और ये किसकी बनी होती है? फिम्ब्रिलिन की बनी होती है, फिम्ब्रिलिन की बनी होती है पिली, ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में होती है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पॉइंट टू द पॉइंट है। अब थोड़ा सा देखिए, बैक्टीरिया जो है एक प्रोकैरियोट है, क्या है ये? प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोट्स है बैक्टीरिया। और इसे दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, एक तो मेनली जो बैक्टीरिया ही है और एक इसका ग्रुप है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया की अलग से मैं थोड़ा सा बात करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइनोबैक्टीरिया, इससे भी क्वेश्चन लगातार बनते चले आ रहे हैं गाइस। अब देखिए अगली बात, यहां पर अबाउट 2000 स्पीसीज, जिसकी लगभग जो है बैक्टीरिया की 2000 स्पीसीज ज्ञात है अभी तक, कॉस्मोपोलिटन है ये गाइस, कॉस्मोपोलिटन है।
साइज इसकी थोड़ा सा देखिए, साइज अभी तक पूछा नहीं, फिलहाल मैं यहां मेंशन कर दिया हूं, इसको आप देख लीजिए। राउंडेड अथवा कोकाई होते हैं, राउंडेड अथवा कोकाई, जो गोलाकार होते हैं इसे राउंडेड भी कह सकते हैं, इसी को कोकस बैक्टीरिया कहते हैं। इसकी जो अमाप होती है 0.5 से 2.5 माइक्रोमीटर तक इसका व्यास होता है, ठीक है। और रॉड शेप्ड अथवा बैसिलस कह दीजिए, जो रॉड शेप्ड होते हैं इसे बैसिलस कहते हैं या रॉड शेप्ड कहते हैं, और ये राउंडेड अथवा कोकस हैं, तो ये थोड़े से बड़े होते हैं इसकी तुलना में। राउंडेड और कोकस की तुलना में रॉड अथवा बैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं इनका साइज बड़ा होता है, और इनकी लंबाई कितनी होती है 0.3 से 15 माइक्रोमीटर तक होती है, और चौड़ाई इसकी 0.2 से 2.0 माइक्रोमीटर तक होती है। इसके शेप की बात करते हैं गाइज, इसके शेप की अब हम बात करते हैं, तो चलिए शेप की बात कर लें थोड़ा सा। देखिए सेप की अगर बात करें तो बैक्टीरिया जो है तीन प्रकार का होता है, सेप के आधार पर बैक्टीरिया कितने तीन प्रकार का होता है, तो तीनों प्रकार में एक तो हो गया बैसिलस अथवा रॉड सेप्ड, बैसिलस अथवा रॉड सेप्ड हो गया, दूसरा स्फेरिकल अथवा कोकस हो गया गोलाकार, एक तीसरा जो है हेलिकल अथवा स्पाइरल होता है, हेलिकल अथवा स्पाइरल होता है। तो तीन प्रकार का है ये, तीन प्रकार का, तीन प्रकार में ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया गाइस। तो चलते हैं देखते हैं, बैसिलस अथवा रॉड शेप्ड जो होता है एवरेज इसकी लंबाई कितनी होती है 1.5 माइक्रोमीटर से, इसकी चौड़ाई 0.5 माइक्रोमीटर तक होती है लगभग, और इसकी जो है इसका व्यास कितना हो 0.5 से 1.25 माइक्रोमीटर इसका व्यास होता है, और ये नॉन मोटाइल होते हैं और ए ट्राइकस होते हैं। स्फेरिकल अथवा कोकस, ये मेन पॉइंट्स देखिए, नॉन मोटाइल और ए ट्राइकस, इसे आप ध्यान रखिएगा, जरा इसे ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट है यहाँ पर। और हेलिकल अथवा स्पाइरल, ये लार्ज देन कोकस एंड बैसिलस, कोकस और बैसिलस से ये की तुलना में ये बड़े होते हैं गाइस, ये पॉइंट भी यहाँ ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, कैसे होते हैं फ्लैजिलेटेड होते हैं, और इसका एग्जाम्पल बैसिलस अथवा रॉड शेप्ड का जो एग्जाम्पल है, जैसे लैक्टोबैसिलस हो गया, बैसिलस सबटिलिस हो गया, बैसिलस पॉलीमिक्सा हो गया, और स्पाइरल अथवा कोकस का माइक्रोकोकस एजिलिस हो गया, माइक्रोकोकस रोजियस, माइक्रोकोकस ल्यूटियस, ये इसके एग्जाम्पल हैं गाइस। हेलिकल अथवा स्पाइरल, इसका जो एग्जाम्पल है स्पिरिलियम अंडुलम और स्पिरिलियम वालुटेंस, स्पिरिलियम माइनस, ये तीन जो है इसके एग्जाम्पल हैं, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। अगर हाँ एक बात और, कि कई लोग कहते हैं कि इसकी पीडीएफ कैसे मिलेगी, तो इसके पीडीएफ के लिए भी प्रोसेस में बना दिया हूं। जिनको भी पीडीएफ प्राप्त करना हो गाइस, तो एक नंबर हम आपको बता देते हैं आज भी, 9219005822, इस पर आप पीडीएफ बैक्टीरिया लिख करके भेजेंगे, आप पीडीएफ बैक्टीरिया लिख करके भेजेंगे तो ना के बराबर चार्जेस, जो वायरस की पीडीएफ प्राप्त कर चुके हैं वो जानते हैं कितना चार्ज है इसका गाइस, तो लगभग ना के बराबर, ठीक है। तो इसका कुछ चार्जेस हैं, और वहाँ से आप जैसे ही व्हाट्सअप पर आप लिख कर भेजेंगे बैक्टीरिया पीडीएफ, वैसे प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा, तो उसके थ्रू आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल आगे चलते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, बैसिलस स्फेरिकल और हेलिकल के बारे में आगे मैं बात करने वाला हूँ, तो इसका क्लासिफिकेशन और कैसे किया गया है। तो देखिए बैसिलस, जैसे अब ये बैसिलस में ध्यान दीजिए, डिप्लोबैसिलस और स्ट्रेप्टोबैसिलस दो प्रकार के हैं। डिप्लोबैसिलस किसे कहते हैं, जिसमें दो रॉड शेप्ड की संरचनाएं आपस में जुड़ी होती है, एक तो ये हो गई रॉड शेप्ड और एक ये हो गई, दोनों आपस में जुड़ी हैं, देख लीजिए ये भी दो इसमें रॉड शेप्ड संरचनाएं हैं, बिल्कुल आपस में जुड़ी हैं, तो इसे डिप्लो कह दिया दो। इसका एग्जाम्पल है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। और स्ट्रेप्टोबैसिलस किसे कहते हैं, जब ये चेन में बन जाती है गाइज, बिल्कुल एक चेन फॉर्म में हो जाती हैं, कई देख लीजिए यहाँ पर, जब कई बन जाती हैं, ये एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, पांच भी हो सकती है, चेन में बन जाती हैं। इसका एग्जांपल है बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस, बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस इसका एग्जांपल है। अब यहाँ ये तो बैसिलस रॉड शेप्ड है, कोकाई गोलाकार है, अब डिप्लो कह दिया, डिप्लो इसका एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस निमोनिया, डिप्लोकोकाई, डिप्लो का मतलब दो, दो गोल गोल संरचनाएं होंगी इसका एग्जाम्पल। स्ट्रेप्टोकोकाई इसका मतलब है वो चेन में होगा, गाइस चेन में देखिए ढेर सारे श्रृंखला में होगा स्ट्रेप्टोकोकाई। यहां देखो स्ट्रेप्टोबैसिलस था तो रॉड शेप्ड थे चेन में, अब ये कोकाई है तो गोलाकार है बिल्कुल चेन में। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए स्ट्रेप्टोकोकाई लैक्टिस है, स्ट्रेप्टोकोकाई पायोजीनस है। अब यहाँ टेट्राकोकाई, टेट्रा का मतलब कितना, चार होता है गाइस चार, तो जब चार गोलाकार संरचनाएं बन जाती हैं तो ये कोकाई टेट्राकोकाई हो गई, ठीक है टेट्राकोकस कह दीजिए। जैसे नाइजीरिया हो गया और पेडिकोकस हो गया, पेडिकोकस सेरिवेसी और नाइजीरिया, ये जो है ये पेडिकोकस सेरिवेसी एक हो गया और नाइजीरिया दो हो गया, इसके एग्जाम्पल हो गए। स्टेफाइलोकोकस, अब ये भैया ढेर सारे ऐसे जैसे मोरुला ब्लास्टुलास्टिस नहीं होती उस
कंडीशन में आ जाए तो ये स्ट्रेप्टोफाइलो स्टेफाइलोकोकाई हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्टेफाइलोकोकाई एल्बस है, स्टेफाइलोकोकाई ऑरियस है, ऑरियस ए यू आर ई यू एस। अब एक है सरसिनी, सरसिनी ये देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, सरसिनी ल्यूटिया और सरसिनी वर्टिकुली वर्टिकुली, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया गाइस। अब थोड़ा सा हम बात कर लें किसकी, हेलिकल अथवा स्पाइरल की, स्पाइरल की। तो इसमें देख लीजिए विब्रियोज एक तो हो गया यहाँ पर, विब्रियोज विब्रियोज ये कॉमा सेव्ड होते हैं, ये प्रश्न बन चुका है गाइस। विब्रियो जो बैक्टीरिया होते हैं कॉमा सेव्ड होते हैं, ये क्वेश्चन बन चुका है कॉमा सेव्ड। और इसका एग्जाम्पल विब्रियो कोलाई और विब्रियो कोलेरी, ये दोनों है, ये देख लीजिए कॉमा सेव्ड। आप ऐसे कॉमा नहीं बनाते भैया, उल्टा बना दो ऐसे, तो हम देखिए ऐसे बना दिया, थोड़ा सा उलट कर दिया। फिलामेंटस में जैसे बैजिया टोवा और थियोथ्रिक्स हो गया, और प्लियोमॉर्फिक में जैसे कौन हो गया, एस्टोबैक्टर हो गया, प्लियोमॉर्फिक में हो गया। तो ये इसके शेप थे गाइस, बैक्टीरिया का शेप था। चलते हैं आगे, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अब पॉइंट्स आने वाले हैं। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल की जो संरचना है इसकी अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल इसकी अगर हम बात करें तो यहां ध्यान दीजिए, बैक्टीरिया इज अ टिपिकल प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर, एक प्रोकैरियोटिक संरचना है, मेड अप ऑफ सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म। ये सेल वॉल इसमें होती है, प्रोटोप्लाज्म भी होता है। स्लाइम लेयर प्रेजेंट आउटर साइड ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के बाहर क्या होती है, एक विशेष प्रकार की लेयर होती है जिसे स्लाइम लेयर कहते हैं। स्लाइम लेयर की बात करते हैं, पहला पॉइंट स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर इसका जिलेटिनस शीथ होता है, स्लाइम लेयर जिलेटिनस शीथ होता है, मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड, किसका बना होता है, पॉलीसेकेराइड का, जैसे डेक्सट्रॉन हो गया, डेक्सट्रीन हो गया, लेवेन हो गया, और पॉलीपेप्टाइड चेन हो गया, पॉलीपेप्टाइड चेन के रूप में जैसे अमीनो एसिड हो गया। अब यहाँ एक खास बात है कि इफ नाइट्रोजिनस मैटर प्रेजेंट इन स्लाइम लेयर, अगर स्लाइम लेयर में नाइट्रोजिनस मैटर है तब उसे कैप्सूल कहते हैं। ये बात ध्यान रखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैप्सूल गाइस, कैप्सूल यहाँ पर बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर में अगर नाइट्रोजिनस पदार्थ है उसमें उपस्थित है तो उससे क्या कह देते हैं, हम कैप्सूल कह देते हैं। तो इसके बाहर जो है कैप्सूल भी देखने को मिल जाती है। और इसकी विशेषता क्या है, फैगोसाइटोसिस है, नॉट अफेक्ट बाई फैगोसाइटेसिस, मतलब कोई इसका भक्षण कर ले अगर कैप्सूल है तो फिर इसका डाइजेस्ट नहीं हो सकता। आगे चलते हैं, जैसे सेलवाल, सेलवाल की अगर हम बात कर लें गाइस, यहाँ सेलवाल की, एक तो स्लाइम लेयर हो गया, अब सेलवाल की बात करने चल रहे हैं। तो देखिए सेलवाल के बारे में, सेलवाल इसमें पतली होती है, लगभग 50 से 100 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, हार्ड होती है, रिजिड होती है और ग्रैनुलर। इसका केमिकल कंपोजिशन की बात कर ले, सेलवार की केमिकल कंपोजिशन की, रासायनिक संगठन की बात करें तो एस्टिल ग्लूकोसामाइन, एस्टिल ग्लूकोसामाइन और एस्टिल म्यूरेमिक एसिड, एस्टिल ग्लूकोसामाइन एस्टिल म्यूरेमिक एसिड प्लस पॉलीसेकेराइड और प्लस प्लस एमिनो एसिड प्लस लिपिड, इतनी चीज होती है इसमें भाई केमिकल कंपोजिशन के रूप में, इतने चीज होते हैं इसमें, और सब मिल करके बनाते हैं म्यूकोपेप्टाइड। क्या बनाते हैं, म्यूकोपेप्टाइड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया है, जितनी बार कहें उतनी बार कम है, हर बार बैक्टीरिया में, मतलब इसकी सेलवाल किसकी बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की, कह दीजिए। ये म्यूकोपेप्टाइड एक प्रकार का क्या है, पॉलीमर है, अब इसी का आ जाता है कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है सब मिला करके। इसमें म्यूकोपेप्टाइड में 80% ये 80% इन ग्राम पॉजिटिव सेलवाल, यानी सेल जो ग्राम पॉजिटिव की कोशिका भित्ति है उसमें म्यूकोपेप्टाइड लगभग 80% होती है, और ग्राम निगेटिव की जो कोशिका भित्ति है उसमें 3-12% होती है, ठीक है, 3 से, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट से ये पूछ सकता है, ये पॉइंट पूछ सकता है, ग्राम निगेटिव जो बैक्टीरिया उसकी सेलवाल में म्यूकोपेप्टाइड कितना परसेंट होता है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेलवाल में म्यूकोपेप्टाइड कितना परसेंट होता है, ये पूछ सकता है। सेलुलोज प्रेजेंट इन ओनली, अच्छा एक बात और यहाँ ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं कि इसमें सेलुलोज नहीं होती है, इसकी कोशिका भित्ति में सेलुलोज नहीं होती, लेकिन सेलुलोज कहाँ होती है, किसमें होती है, अपवाद एक्सेप्शन के रूप में, तो ये ध्यान रखिएगा एस्ट्रोबैक्टर एस्टिजिनम और जाइमोसेकिरना वेंटिकुली, और दूसरा है एस्ट्रोबैक्टर जाइलिनम, एस्ट्रोबैक्टर जाइलिनम, ये तीन है बैक्टीरिया जिसमें सेलवाल होती है, जाइमोसर्सिना वेंटिकुली और एस्ट्रोबैक्टर जाइलिनम, एस्ट्रोबैक्टर एस्टिजिनम, इन तीनों में जो है सेलुलोज होती है इसकी कोशिका भित्ति में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हो सकता है एक्सेप्शन ऐसा ही क्वेश्चन दे दे। अगली बात, मोस्टली कोकाई या ग्राम पॉजिटिव, मुख्यतः जो कोकाई बैक्टीरिया होते हैं जो गोलाकार होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं भैया, एंड बैसिलर आर
निगेटिव, अब बैसिलाई आर निगेटिव, जो रॉड शेप्ड होते हैं वो निगेटिव, भैया ऐसे निगेटिव बनता ही है रॉड शेप, ऐसे ही ऐसे है तो ऐसे आप माइनस भी बनाते हैं, तो आप समझ जाओ कि जो बैसिलस होते हैं वो मुख्यतः ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं और जो कोकाई होते हैं ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ऐसा समझो आप। अगली बात, ये टीजीटी 2002 में क्वेश्चन आया है, टीजीटी 2002 में ये क्वेश्चन आया है कि अमाउंट ऑफ लिपिड इन सेलवाल ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया मोर देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। भाई ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के सेलवाल में जो लिपिड की मात्रा होती है ज्यादा होती है, ठीक है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के सेलवाल में लिपिड की मात्रा ज्यादा होती है किसकी तुलना में, ग्राम पॉजिटिव की तुलना में। यह क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में भी आया है, यह क्वेश्चन 2021 में भी आया है। अगली बात, इंडोस्पोर फॉर्मेशन बैक्टीरिया आर ग्राम पॉजिटिव, यानी जो इंडोस्पोर का निर्माण होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मोस्टली होते हैं, व्हाइल पोलर फ्लैजिलेट इज ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, जो पोलर फ्लैजिलेट होते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की कुछ यहां पर बातें हैं जिसे आप ध्यान आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रॉड शेप्ड अथवा बैसिलस, यहां देख लीजिए रॉड शेप्ड अथवा बैसिलस ये कैसे होते हैं ग्राम निगेटिव, अभी मैंने बताया। कोकस कैसे होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं, मैंने आपको बताया। ये आप ऐसे ही बनाएंगे, आप ये रॉड शेप्ड हो गया तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, और अगर ऐसे हैं तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसका पीएच अगर पूछ ले भाई तो मैं हालांकि यहां तक पूछेगा नहीं, पीएच ऑफ ग्राम पॉजिटिव इज 2.5 to 4, यानी ग्राम पॉजिटिव का पीएच कितना होता है 2.5 से 4 तक, एंड 4.5 to 5.5 इन ग्राम निगेटिव, ग्राम निगेटिव का पीएच 4.5 से 5.5 होता है। प्रोटोप्लाज्म, देखो सेलवाल की बात कर लिया, स्लाइम लेयर की बात कर लिया, तीसरा प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं। प्रोटोप्लाज्म डिवाइडेड इनटू प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड गाइस यहां देख लीजिए, जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसमें तीन चीजें होती है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है, एक न्यूक्लियोइड होता है, ये तीन संरचनाएं हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यही फोल्ड हो जाती है, मुड़ जाती है अंदर की ओर, मुड़ जाती है और एक संरचना बनाती है मीसोसोम। मीसोसोम इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मीसोसोम को बैक्टीरिया का साइट ऑफ रिस्पायरेशन कहा जाता है, श्वसन का सतह कहा जाता है मीसोसोम को। ऐसे अगर ये आ गया, ये मान चलिए बैक्टीरिया, तो इसके अंदर जो है संरचना ऐसे घूम करके फोल्ड हो जाती है, इस संरचना को क्या कहते हैं मीसोसोम, जो जिसे साइट ऑफ रिस्पायरेशन कहते हैं, साइट ऑफ रिस्पायरेशन श्वसन की संज्ञा। अच्छा एक क्वेश्चन और अगर पूछेगा बहुत अंदर से मीसोसोम में, तो कहेगा एक सेल में मीसोसोम की संख्या कितनी होती है, तो एक सेल में मीसोसोम की संख्या लगभग 2 से कितनी होती है 4 होती है, 2 से 4 तक होती है। इसकी सेलवाल पेरीप्लाज्मिक स्पेस, अच्छा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेलवाल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेलवाल दोनों के बीच में एक स्पेस होता है जिसे पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं गाइस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं इन दोनों के बीच में। तो यह क्वेश्चन आया है। साइटोप्लाज्म हैव 70S प्रकार का राइबोसोम, 17S प्रकार का राइबोसोम होता है, आप जानते हैं प्रोकैरियोटिक की विशेषता है। 80S प्रकार का राइबोसोम किसमें होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में होता है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका तो 70S प्रकार का। इसमें अब्सेंट क्या क्या होता है, माइटोकांड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेंट्रोसोम गॉल्जी बॉडी, ये सब क्या होते हैं इसमें अब्सेंट होता है, अब्सेंट होता है इसमें। न्यूक्लियॉइड अथवा जीनोफोर, ये देखिए ये क्वेश्चन, न्यूक्लियॉइड अथवा जीनोफोर अथवा क्रोमैटिन बॉडी, ये तीन बातें हैं, इनको भाई सब जोड़ लीजिए, इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियॉइड अथवा जीनोफोर अथवा क्रोमैटिन बॉडी, ये इसमें ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट होता है आप जानते हैं। तो ये अब थोड़ा सा न्यूक्लियॉइड के बारे में, इसमें क्या क्या होता है न्यूक्लियॉइड से संबंधित, तो अगर आ गया तब कैसे आप इसे हल करेंगे न्यूक्लियॉइड से, इससे संबंधित ध्यान रखिएगा जरा। जो न्यूक्लियॉइड है इसमें 1 से 4 न्यूक्लियॉइड, क्रोमैटिन बॉडी जो होता है इसमें, अच्छा एक सेल्स में 1 से 4 लगभग क्या होती है संख्या इसकी न्यूक्लियॉइड की होती है। इसमें डीएनए सिंगल अथवा डबल स्टैंडर्ड होता है, इनमें कितने बेस पेयर होते हैं 5 × 10^6 बेस पेयर होते हैं। डीएनए सर्कुलर होता है इसमें बैक्टीरिया में, डीएनए सर्कुलर। हिस्टोन इसमें एब्सेंट होती है, यह भी क्वेश्चन आ चुका है, हिस्टोन कैसी होती है इसकी क्रोमैटिन बॉडी में, भैया हिस्टोन एब्सेंट होती है और क्रोमैटिन बॉडी में 1 से 4 न्यूक्लियॉइड होते हैं, सिंगल डीएनए सिंगल अथवा डबल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए सर्कुलर होता है। तो इतनी बातें हैं इसमें, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगली खास बात क्या है देख लीजिए, प्लाज्मिड की बात करें, प्लाज्मिड बहुत बार आया है गाइस, देख लीजिए यहां लंबी कतार है और तो मैंने नोट नहीं किया, यहां टीजीटी 2005 में, 2002 में, 2013 में, 2018 में और 2016 में भी आया है। तो प्लाज्मिड की अगर बात करें तो प्लाज्मिड क्या आया है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए,
प्लाज्मिड को एक नाम दिया जाता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहा जाता है इसको, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहा जाता है, यही कई बार पूछा है। और ये नाम किसने दिया था, अब ये पूछ सकता है, तो लीडरबर्ग ने नाम दिया था 1952 में, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए लीडरबर्ग ने कहा था 1952 में। प्लाज्मिड के बारे में और दूसरी पॉइंट क्या है कि मॉलिक्यूलर इसका वेट 5 × 10⁻⁷ से 7 × 10⁷ तक होता है, हालांकि ये ज्यादा यहां तक नहीं पहुंच सकता है। ईच प्लाज्मिड हैव 100 जीन, प्रत्येक प्लाज्मिड में कितने 100 जीन तक होते हैं ये ध्यान दीजिए। ईच प्लाज्मिड इज अ नॉन एसेंशियल जीन आल्सो कॉल्ड, हाँ प्लाज्मिड के और नाम क्या क्या हैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह फैक्टर फर्टिलिटी फैक्टर, आर फैक्टर रेजिस्टेंट, अगर प्रतिरोधक क्षमता के प्रति दिखा रहा है तो रेजिस्टेंट फैक्टर कहते हैं, और कोल फैक्टर, ठीक है, यह फैक्टर आर फैक्टर कोल फैक्टर सेक्स फैक्टर भी इसको कहते हैं गाइस। तो इसके इतने नाम हैं प्लाज्मिड के, तो आप ध्यान रखिएगा। फ्लैजिलेशन की थोड़ा सा बात कर लें, किसकी बात करने चल रहे हैं गाइस, फ्लैजिलेशन। तो देखिए फ्लैजिलेशन की अगर बात करें, फ्लैजिला, तो फ्लैजिला इसमें हेयर लाइक अपेंडेजेज होते हैं, बाल की तरह होते हैं बैक्टीरिया में संरचना, तो इसे कहते हैं फ्लैजिला। और इसकी लंबाई कितनी होती है, 4 से 5 माइक्रोन तक होती है। प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होता है कुल मिलाकर, फ्लैजिला की लेंथ मोर देन बैक्टीरियल सेल, हाँ बैक्टीरियल सेल अगर है तो इससे जो है ज़्यादा इसकी लेंथ होती है फ्लैजिला की, इसकी सेल्स की तुलना फ्लैजिला की जो ये लंबाई है ज़्यादा होती है गाइस, फ्लैजिला लेंथ मोर देन बैक्टीरियल सेल। एट द बेस अटैच विथ ब्लेफेरोप्लास्ट ग्रेन्यूल, यहाँ जहाँ जुड़ा होता है यहाँ भी ब्लेफेरोप्लास्ट ग्रेन्यूल्स होता है। एब्सेंट इन कोकस बैक्टीरिया, और फ्लैजिला किसमें एब्सेंट होता है, कोकस बैक्टीरिया में, अर्थात जो गोलाकार होते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ हम आगे चलते हैं, इसके बात करते हैं फ्लैजिलेशन की। तो बैक्टीरिया में फ्लैजिलेशन एक ए ट्राइकस जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट होंगे, दूसरा ट्राइकस जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, इसकी बात करने चल रहे हैं। तो ध्यान दीजिए ए ट्राइकस में फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं और ये नॉन मोटाइल होते हैं, इसका एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस और पास्चुरेला, लैक्टोबैसिलस और पास्चुरेला। अब ये जो है जो ट्राइकस होते हैं इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं और ये मोटाइल होते हैं, अगर फ्लैजिला होगा तो वो मोटाइल होगा, उच्चल होगा, ठीक है, गतिशील होगा, मोटाइल होगा। तो ये दो प्रकार के हैं, ठीक है, मोटाइल वाले कितने भागों में, इसको दो भागों में बांटा, एक तो पोलर फ्लैजिलेशन, एक नॉन पोलर फ्लैजिलेशन। नॉन पोलर का मतलब किसी एक छोर पर नहीं होगा, इसमें किसी एक छोर पर फ्लैजिला पाए जाएंगे, एक छोर पर भी हो सकता है, दोनों छोर पर भी हो सकता है, तो कुल मिलाकर पोल पर होंगे फ्लैजिला, तो इसे पोलर फ्लैजिलेशन कहते हैं, और एक पोल पर नहीं होंगे तो नॉन पोलर कह दिया। नॉन पोलर की विशेषता क्या है, फ्लैजिला ऑन होल सरफेस, इसमें क्यों, क्योंकि फ्लैजिला किसी पोल पर ना होकर पूरे सरफेस पर होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है केवल एक इंड्स पर होता है अथवा दोनों इंड्स पर होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट ऑन प्रेजेंट वन आर बोथ इंड्स, एक इंड्स पर दो अथवा दोनों इंड्स पर, जैसे इसका एग्जाम्पल है ग्राम निगेटिव बैसिली एंड स्पाइरल, इस बैक्टीरिया में पोलर पर फ्लैजिलेशन होता है। और पेरीट्राइकस, इसे नॉन पोलर फ्लैजिलेशन को पेरीट्राइकस भी कहते हैं, इसका एग्जाम्पल है प्रोटियस वल्गेरिस क्लॉस्ट्रिडियम बैसिलस टाइफेसस, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, देख लीजिए बिल्कुल चारों तरफ ये सतह पर है तो इसे पेरीट्राइकस कहते हैं गाइस। अब यहाँ पोलर पे हैं तो इसे कितने, 1, 2, 3, 4 इसे वर्ड यूज करते हैं। मोनोट्राइकस, जब एक इंड पर केवल एक फ्लैजिला होगा मोनोट्राइकस, फ्लैजिला एट वन इंड्स केवल एक छोर पर, इसका एग्जाम्पल विब्रियो कॉलेरी है। एम्फीट्राइकस, जब दोनों एंड पर ऐसे सिंगल सिंगल होंगे तो एम्फीट्राइकस कह दिया। अब यहाँ पर और इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास स्पिरिलियम वालुटेंस, ठीक है, नाइट्रोमोनास और स्पिरिलियम वालुटेंस इसका एग्जाम्पल है एम्फीट्राइकस का। अब ये एग्जाम्पल अब पूछ सकता है, ये बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल अब पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसके एग्जाम्पल को सम्मिलित कर दिया। एक सिफेलोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस जब एक ही छोर पर दो या दो से अधिक हो फ्लैजिला तब उसे कहते हैं सिफेलोट्राइकस। और लोफोट्राइकस, जब दोनों छोर पर दो या दो से अधिक, अर्थात ये कुल मिलाकर गुच्छे में हो, दोनों छोर पर गुच्छे में होंगे तब उसे क्या कहते हैं, लोफोट्राइकस कहते हैं गाइस। लोफोट्राइकस जब गुच्छे में फ्लैजिला होता है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए गाइस क्या है, जैसे स्यूडोमोनास फ्लोरिसेंस है। और ए ट्राइकस एक शब्द है जिसपे फ्लैजिला रहे ही ना, तब उसे कहते हैं ए ट्राइकस। तो ये फ्लैजिलेशन की बात हो गई, यहां से भी क्वेश्चन बहुत आए। अब थोड़ा यहां से कुछ और भी पॉइंट्स हैं इसके, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजिलम, बैक्टीरिया के फ्लैजिला की अगर हम बात करें तो इसको देख लीजिए, इसमें जो फ्लैजिलम फ्लैजिलेशन होता है 9+2 के रेंज में नहीं होता है, इसमें 9+0 के रेंज में होता है, यह भी क्वेश्चन आ चुका है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। सो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, ये कुंडलित संरचना दिखाते हैं,
मेडअप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, फ्लैजिला किसका बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होता है, 40,000 होता है। और इसका जो व्यास होता है 120 से 150 एंगस्ट्रॉम होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है, 4 से 5 मिलीमाइक्रॉन तक होती है। इसमें एक संरचना है पीली या पिलाई, इसको समझो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए। पिली अथवा फिम्बरी प्रेजेंट इन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ये किसमें उपस्थित होता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में होता है पिली अथवा फिम्बरी, ध्यान रखिए। और किसका बना होता है, मेडअप ऑफ पिलिन प्रोटीन, ये किसकी बनी होती है, पिलिन प्रोटीन की बनी होती है, ये क्वेश्चन आ चुका है। फिम्बरी अथवा पिली किसकी होती है, बनी होती है पिलिन प्रोटीन की। इसकी लेंथ 2 माइक्रॉन तक, इसका डायमीटर कितना होता है, 30 से 50 एंगस्ट्रॉम। नंबर इन ईच सेल, यानी प्रत्येक सेल में इसकी जो संख्या है कितनी होती है पिलाई की, तो लगभग 100 से कितनी होती है, 400 तक होती है। और ये लोकोमोशन में हेल्प नहीं करती है, नॉट हेल्प इन लोकोमोशन। फिर ये हेल्प किसमें करती है, देखिए, यूज इन द फॉर्म ऑफ एडसिव आर्गन, एडसिव आर्गन के रूप में ये यूज होता है। किस प्रक्रिया में, कंजुगेशन प्रक्रिया में। जब कंजुगेशन मतलब एक दूसरे से बैक्टीरिया कंजुगेट करती है, जो जुड़ती है, तो पिली के माध्यम से जुड़ती है। गाइस, सेक्स पिली लार्ज देन पिली, एक सेक्स पिली भी होता है पिलाई के रूप में ही, दूसरा फॉर्म सेक्स पिली, लार्ज देन पिली, पिली से क्या होता है, बड़ा होता है। हेल्प इन कंजुगेशन, जो किसमें मदद करता है, कंजुगेशन में। जब कंजुगेशन होगा तो ये भी एडसिव का कार्य करते हैं, एडसिव आर्गन का। इट हैज अ कैनाल, ये सेक्स पिली एक कैनाल के रूप में होती है। इट ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डोनर सेल टू रिसिपिएंट सेल, यानी एक दाता सेल होती है और एक ग्राही सेल। तो ग्राही सेल में, डोनर सेल से ग्राही सेल में जब मटेरियल ट्रांसफर होता है, उस समय सेक्स पिली एक कैनाल के रूप में कार्य करती है। देख लीजिए थोड़ा सा, सेक्स पिली किसे कहते हैं और फ्लैजिला और पिली किसे कहते हैं। ये तो हो गया भाई फ्लैजिला, बड़ा सा। इसमें कुछ संरचनाएं बड़ी हैं, कुछ संरचनाएं छोटी हैं। तो जो छोटी वाली संरचना है ये पिली है, और जो थोड़ी सी बड़ी है ये क्या है, सेक्स पिली। यही कंजुगेशन के समय में एक दूसरे से अटैच होती है, जो कंजुगेशन ट्यूब बनाती है गाइस। तो ये इसकी संरचना हो गई। अब न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया की बात करें, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया की बात करें, तो गाइस आपको बता दें लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। देख लीजिए, न्यूट्रिशन बहुत ही बेहतरीन ये लेक्चर है। फिर इसके रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, सेक्सुअल और इंडोस्पोर फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये गाइस। फिर उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जैसे एपिसोम क्या है और फ्लैजिलिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है किस प्रकार के बैक्टीरिया में, और टर्म एंटीबायोटिक किसने दिया, ये सभी देख लीजिए। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया तक ही है सीमित गाइस, हम आपको दिखा दे थोड़ा सा। देख लीजिए, जैसे ये भी संरचनाएं हैं यहां पर, अभी इसकी तो जो है रिप्रोडक्शन भी है गाइस, रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन इसका है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंजुगेशन, ये रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनते हैं गाइस। जैसे देख लीजिए, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन, और इसकी खोज किसने किया था, किसमें किया था, इसकी खोज किसने किसमें किया था, इसकी किसने किया था, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आज के इस लेक्चर को बस यहीं तक रखते हैं, फिर एक दूसरा लेक्चर, जैसे वायरस के हमने 2 लेक्चर बनाया, उसी तरीके से बैक्टीरिया के भी हम 2 लेक्चर बनाने वाले हैं। तो गाइस, जब न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, और एक जो है आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ बैक्टीरिया, तो दूसरे लेक्चर में होगा। फिर उसके बाद हम इसका प्रैक्टिस सेशन लेकर के आएंगे गाइस। तो चलिए, और एक बात और बता दें, जैसे वायरस के, वायरस आपने पढ़ा टॉपिक, उसका जो PDF आप लोगों ने प्राप्त किया, तो देखे होंगे कि किस तरीके से हेल्पफुल है। तो हालांकि अगर यहाँ से लेक्चर को देख करके अगर नोट करते हैं, आप अपनी नोट्स बनाते हैं, तो और बेहतरीन है। लेकिन जो लोग PDF इसका प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैंने बताया, मैंने कुछ चार्जेस रख दिया है, और वो चार्जेस ना के बराबर है। वो कैसे, ये PDF भी आपको मिल सकती है, मैंने आपको बताया कि एक व्हाट्सएप नंबर दिया था कि 9219085222, इस पर आप PDF, जैसे वायरस का पाना हुआ तो वायरस PDF लिख के भेजेंगे तो आपको मिलेगा, और PDF बैक्टीरिया लिख के भेजेंगे तो बैक्टीरिया का PDF मिलेगा। तो गाइस चलिए, क्या दूसरा लेक्चर भी होना चाहिए इसी तरीके से, कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा दमदार कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, आज के लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।